ठीके बा भतरे हो बसी भतरे हो भतरे हो बसी भतरे हो तू सब हाजी के लइका भतरे हो अच्छा भतरे हो बसी भतरे हो भाई जानोजी के लइका भतरे हो। हम यही कहना चाहते हैं टुनटुन तुमसे कि कम से कम राइटर का नाम रखता और जो कंपनी पर रिलीज हो चुका है थोड़ा बदलवा लेता यार। दो दो राइटर से तुम गाना लिखवा लिया है। नमस्कार प्रणाम, हम कुशवाहा के राज और आप देख रहे हैं कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल। वीडियो क्लिप दोनों शुरू में देखे हैं, दोनों सॉन्ग के बारे में बात करेंगे और टुनटुन यादव के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए, उसके बाद आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा क्या गलत है कौन सही है। तो इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं कि आज से कुछ दिन पहले जीती बा चंदन का ये सॉन्ग आया था कि कुशवाहा जी के लड़का खतरे है, इस सॉन्ग को लिखे हुए थे अरुण सक्सेना ने और ये सॉन्ग ड्यूट सॉन्ग था और इसका वीडियो रिलीज हुआ था एआर म्यूजिक प्रेजेंट पे। तो उस भी आप लोग को वीडियो एक महीना पहले रिलीज हुआ, सर्च करके देख सकते हैं, नहीं तो आपको स्क्रीन शॉट यहाँ पर लगा देंगे। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि एक महीना पहले ये सॉन्ग 1 दिसंबर को यूट्यूब पे रिलीज हो चुका था और बहुत ही प्यारा सपोर्ट मिला, बहुत ही अच्छा चला। उसके बाद ये सॉन्ग टुनटुन यादव का अहिराज सॉन्ग सिर्फ ये रिलीज हुआ है आज के डेट में, यानी कि आज 22 तारीख है, आज सुबह रिलीज हुआ है। तो ये सॉन्ग भी बिल्कुल सेम मैटर है, नहीं कि थोड़ा भी अलग है। देखिए जीती बा चंदन का जो मैटर था बिल्कुल सेम मैटर है पूरा, बिल्कुल लड़की जो शब्द गा रही है वो भी लिखा होगा पूरा अरुण सक्सेना का ही था और ये टुनटुन लाल यादव गा रहे हैं, वो भी सॉन्ग जो भी गा रहे हैं वो अरुण सक्सेना का लिखा हुआ ही गा रहे हैं, पर इसमें राइटर का नाम कुछ और दिया गया है। राइटर दो दो राइटर का नाम दिया गया है, एक नहीं दो दो, क्या बात है भाई। आप दो पूरा सॉन्ग उठा के गा दे रहे हो, राइटर के नाम ये चेंज कर लो, अब दो दो राइटर। वैसे तो हम गाना लिख देंगे यार, पूरा गाना सुन लिए, एक शब्द चेंज कर देना है मेन बोल में से थोड़ा सा इधर उधर कर दिए तो हम, वैसे तो हम गाना लिख देंगे। कितना भी बड़ा गाना लिखवा लीजिए, कोई भी स्टार का हम लिख देंगे, उसको कॉपी कहा जाता है कि अगर आप पूरा गाना अगर एक भी शब्द नहीं मिलता है सिवाय जो शब्द पब्लिकली है उसके सिवाय अगर कोई शब्द नहीं मिलता है तो उसको कहा जाता है कि ये सॉन्ग अलग है और अलग टाइप का लिखा गया है। लेकिन आप तो यहाँ पर पूरा सेम मैटर गाए हो, जो अजीती बा चंदन गाए हुए थे एक महीना पहले, एक डेढ़ महीना पहले, वो सॉन्ग आप सेम मैटर उठा के आज गा रहे हैं। और फिर आप बोलोगे कि हमारा भी तो मैटर सब सॉन्ग उठा के गाता है, सभी लोग गाता है। टुनटुन यादव बोलेंगे कि हमारा भी सॉन्ग तो सब गाता है। तो आपको बता देना चाहते हैं पूरा सेम मैटर कोई नहीं उठाता, मेन बोल है जो उठा लेता है नाम लिखने के लिए, अगर उठाया भी होगा अगर है या फिर और भी कोई भी समाज पर कोई भी जाति पर गाता है। लेकिन आप ये गलत बात है कि आप पूरा सॉन्ग ही पूरा सेम टू सेम उठा के और वो सॉन्ग गा देला, ये गलत बात है। और छोटे सिंगर को आप भी दबाने का काम कर रहे हैं, आप उसको उभारने का काम कीजिए कि आपसे कोई खुश हो। इतना ही नहीं, राइटर का नाम भी चेंज कर दिए हैं, अभी दो दो राइटर का नाम घुसा दिए हैं उसमें। कोई वेहलत करके एक सॉन्ग लिखा है लया बेटर लया म्यूजिक पे, आप उसको लय चेंज कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका आपका आपका गला हो गया। अब कोई भी गाना हो, कोई भी गाना सुर में गा रहे हो तो इस सुर में इस म्यूजिक पे जा रहा है तो उसको सुर बदल के दूसरे सुर पे, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आपका गाना लिखा होगा। आप मतलब हमारा म्यूजिक अलग है तो हमारा अलग गाना है, साथ में बोल भी अलग होना चाहिए तब तो अलग गाना कहा जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि हम यही कहना चाहते हैं टुनटुन तुमसे कि कम से कम राइटर का नाम रखता और जो कंपनी पर रिलीज हो चुका है थोड़ा बदलवा लेता यार। दो दो राइटर से तुम गाना लिखवा लिया है वाला, तो थोड़ा बदलवा लेता तो अच्छा रहता। और वीडियो कैसा लगा, आपका क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और दबा के वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि जहाँ पहुँचाना है वहाँ तक पहुँच जाए। और ऐसे ही वीडियो आती रहती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक।